नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, छोटी छोटी बूटी का खूबसूरत सा डिजाइन। इसे आप बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे चार चार फंदे हम गिने तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए, जिससे डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ये डिजाइन सामने की तरफ से पड़ता है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम दूसरे कलर के ऊन को अटैच कर लेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। एक, दो और तीन। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, स्लिप करने से पहले ऊन को पीछे की तरफ से ले जाना है। सामने की तरफ से हम ऊन को नहीं ले जाएंगे बल्कि इसके पीछे की तरफ से ऊन ले जाएंगे। अब घुमाकर वापस अपनी तरफ लाना है और तीन फंदों को उल्टा बुनना है। तीन फंदों को उल्टा बुन लिया, अब ऊन को पीछे ले जाएंगे, अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा। उन दूसरी तरफ अगला फंदा स्लिप करना है, उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। उन दूसरी तरफ अगला फंदा स्लिप करना है, उन अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। हम रॉन्ग साइड से हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और ये तीन फंदे जो हमने सामने से उल्टे बुने थे, रॉन्ग साइड से भी इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदों को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो तीसरे लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से बुनेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब यहाँ से हमारा चार फंदों का पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, ये फंदा तीन बुने हुए फंदों में से ये बीच का फंदा है। फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब इन दो फंदों को छोड़कर चार फंदों का, इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर एक फंदा स्लिप करेंगे, ये फंदा तीन बुने हुए फंदों के बीच का फंदा है। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा और इसके दोनों साइड वाले
फंदे, इन तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर एक फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर एक फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर देख, बुने हुए तीन फंदों में से बीच के फंदे को हमें स्लिप करना है, उन अपनी ओर करना है, और ये स्लिप किया हुआ फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो तीन फंदा उल्टा बुना, उन दूसरी ओर एक फंदा स्लिप किया, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अब तीन फंदे बचेंगे जिन्हें में से एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये डिजाइन का तीसरा लाइन कंप्लीट हुआ। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। हमने सामने से भी उल्टा बुना और पीछे से भी हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। हम इस तरह पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और तब स्लिप करेंगे, और ये देखिए तीन फंदे बुने हुए हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो दो फंदों को छोड़कर अब देखिए, अब फिर हम यहाँ पे दूसरा डिजाइन बनाएंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा। बुने हुए फंदों को हमें उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा पांचवा लाइन है। तो पांचवे लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से ही दो फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, जो बुने हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये तीसरी लाइन में हमने इन तीनों फंदों को उल्टा बुना था। अब पांचवी लाइन में इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तीन फंदा सीधा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का छठा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो छठे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। बुने हुए फंदे, स्लिप किए हुए फंदे, सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पूरी लाइन हमें उल्टा बुन लेनी है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से। तो सातवीं लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से ही सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। सातवीं लाइन में सभी फंदों को अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सीधा बुन लेंगे। और आठवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड। तो हम नाइन्थ रो में अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम अपने दूसरे कलर के ऊन से दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक
और दो, उन दूसरी ओर तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर एक फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। दूसरी ओर देखिए ये फंदा स्लिप किया हुआ था, तो इसे हम स्लिप करेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। तो तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में देखिए दो फंदे बचे हैं, स्लिप करने के बाद दो फंदे बचे हैं, तो उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का दसवां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दसवें लाइन में हम बुने हुए फंदों को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। तो इसी तरह बुनते हुए तीन फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे उल्टा बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ग्यारहवीं लाइन में हम अपने मेन कलर से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर एक फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा हमारा दूसरा फंदा रहेगा, दो फंदा तीन हो गया, एक दो तीन, उन दूसरी ओर। अब देखिए तीन फंदों में से बीच के फंदे को हम स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, बुने हुए तीन फंदों में से बीच के फंदे को हम स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमें बस ये ध्यान देखना है कि वो तीन से कौन फंदे हैं जिन्हें हम उल्टा बुनेंगे और वो कौन सा फंदा है जिसे हमें स्लिप करना है। तो बुने हुए तीन फंदों में से हमें बीच के फंदों को यानी दूसरे फंदे को स्लिप करना है, उन अपने और स्लिप किए हुए फंदे और उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हमें उल्टा बुनना है। लास्ट फंदा देखिए दूसरा फंदा है इसलिए इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये डिजाइन का बारहवां लाइन है, तो इसमें हम स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदों को उल्टा बुनेंगे। सामने से भी हमने उल्टा बुना, रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारे डिजाइन का तेरहवां लाइन है, तो इसमें हम स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए तीन फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है।
रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। पंद्रहवीं लाइन और सामने से पंद्रहवीं लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से ही सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और सोलहवीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा। सोलह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन बेहद खूबसूरत है और बनाना भी बहुत आसान। बिगनर्स भी इस डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं और जिस भी प्रोजेक्ट में ये पड़ेगा उसकी शोभा को ये बढ़ा देगा। पंद्रहवीं लाइन में सभी फंदे सीधे और सोलहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, सोलह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। सेकेंडरी कलर के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद छह लाइन हम प्राइमरी कलर के ऊन से बनाएंगे, फिर सेकेंडरी कलर के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद प्राइमरी कलर के ऊन से छह लाइन बनाएंगे। तो इन 16 लाइनों को हम दोहराते जाएंगे और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। सेकेंडरी कलर से दो लाइन, फिर छह लाइन प्राइमरी कलर से, सेकेंडरी कलर से दो लाइन, फिर छह लाइन प्राइमरी कलर से। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।